सो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। सो चलो देखते हैं, कल है ट्यूजडे और कल हम लोगों को मार्केट में किस तरीके से काम करना होगा, किस तरीके से हम लोग कल प्लान बनाएंगे और कुछ लेवल मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दूंगा। ओके, और क्या व्यू रहने वाला है सब कुछ हम लोग इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलो वीडियो को एंड तक देखो और प्लान को समझो। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं निफ्टी को आप लोगों को समझना चाहूंगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो भी आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे 17,000 का एक जो है इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आप लोग 17,000 पे एक जो है लेवल ड्रॉ कर सकते हो, साइकोलॉजिकल नंबर। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे जो है एक जो साइकोलॉजिकल नंबर है 17,500 का, इसको ड्रॉ कर लेना। और ये जो एक आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये आप लोग डिलीट कर दो, ये ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ओके, तो इसके लिए हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे, जिससे हम लोग को पूरा वाइड एंगल का व्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो मार्केट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसका ब्रेक डाउन मार्केट ने किया। तो यहाँ पे अभी लोग क्या कर रहे हैं, उनका सेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लास्ट मोमेंट में मार्केट में हम बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिला और मार्केट ने यहाँ से सेल गिरना चालू किया। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम यहाँ से लेंगे, यहाँ से एक मिनट, हाँ यहाँ से मार्केट ने गिरना चालू किया। तो यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक जो है हाई टू लो ड्रॉ करेंगे। एंड ये जो FIB का लेवल आप लोग को दिख रहा है, इसको आप लोग हाफ कर लेना, क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत बड़ा लेवल है, लगभग बहुत ज्यादा पॉइंट का लेवल है। लगभग अगर हम लोग देखें तो 33 पॉइंट का जो है लेवल है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका हाफ कर लेना। अगर मार्केट इस लेवल पे गैप इस लेवल पे ओपन होता है तो क्या होगा कि यहाँ पे जिसने सेल किया था वो तो निकल जाएंगे। ओके, और अगर मार्केट इसके नीचे या फिर कहीं पे भी ओपन होता है तो उस हम लोग नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम लोग का व्यू क्या है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग प्राइस में जो है स्टॉप लॉस अवेलेबल है बायर और सेलर का। हालांकि यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस ज्यादा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉसेस जो है ज्यादा है। क्यों है, नॉर्मली क्लोजिंग प्राइस में बायर और सेलर दोनों ही रहता है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सेलर। ओके, तो हमने निफ्टी को अच्छे से एनालिसिस कर लिया। ओके, तो अभी बारी है बैंक निफ्टी का। ओके, तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता है, जूम इन कर देता है। ओके, अच्छे से आप लोग देख लो। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेवल वगैरह है उसको हम लोग समझेंगे। तो 5 मिनट के टाइम से हम ओपन कर लेना। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस का जो लेवल है इसको ड्रॉ कर लेना। ओके, यहाँ पे कुछ 3 साइकोलॉजिकल नंबर है, 40,500, 40,000 और 39,500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है। ओके, तो ये तीनों साइकोलॉजिकल नंबर आप लोग ड्रॉ कर लेना और मार्केट ने यहाँ से गिरना चालू किया। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है FIB लगाना और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको आप लोग हाफ कर लेना और यहाँ पे एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो अकॉर्डिंग टू एसएल एंडिंग एंड FIB रिप्लेसमेंट की यहाँ पे जिसने सेलिंग किया था वो आउट हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों का व्यू क्या है, व्यू अभी भी हम लोगों का BID से और थोड़ा सा न्यूट्रल है, क्योंकि अगर हम लोग देखे कि निफ्टी में कल हम लोगों को गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो लास्ट मूवमेंट में यहाँ पे W पैटर्न का जो है हम लोग को फॉर्मेशन देखने को मिला। यहाँ पे W पैटर्न का जो फॉर्मेशन देखने को मिला, यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे BTST लेंगे बाइंग करके। ओके, तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऑब्वियसली बहुत नीचे आ सकता है, फिर भी ये 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SGX निफ्टी का जो ट्रेडिंग आवर्स है, SGX निफ्टी अभी चल रहा है, SGX निफ्टी जैसे काम करेगा उसी हिसाब से इंडियन मार्केट काम करेगा, तो ये 100% सिक्योर नहीं है। फिर भी हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, आज हम लोगों काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ओके, तो अभी हम लोग का प्लान क्या है, प्लान ये है एकदम मार्केट में हम लोग को जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो मार्केट में अभी हम लोग को देखने को ये बाकी है कि मार्केट कहां ओपन होने वाला है और मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स मार्केट कैसा बिहेव करेगा। मार्केट जैसा बिहेव करेगा उस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ मैंने समझा दिया। ओके, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, चलो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।